दहशत, खौफ कभी पूर्वांचल में सबका पर्याय बन चुका था मुन्ना बजरंगी। उसके नाम से लोग तो क्या पुलिस भी कांपने लगती थी। शातिर इतना कि हमेशा पुलिस से दो कदम आगे रहती थी उसकी सोच। जानते हैं ऐसा क्यों है? जिस दौर में यूपी पुलिस ने AK-47 का मुंह भी नहीं देखा, उस दौर में मुन्ना बजरंगी इससे लैस था। वो AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करता था। दशक 90 का, जब माफिया से माननीय बने ब्रजेश सिंह के सबसे खास रहे बड़े सिंह और छोटे सिंह को उसने इसी AK-47 की गोलियों से छलनी कर डाला था। मतलब मुन्ना बजरंगी ने अपने आतंकी साम्राज्य का किला इसी AK-47 के दम पर तैयार किया। 6 अप्रैल 1997 को मुन्ना बजरंगी ने बनारस के नारिया में AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष राम प्रकाश पांडे के साथ सुनील राय, भोनू मल्लाह समेत 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसका AK-47 जब जब चलता मौत का पैगाम लेकर आता। 17 दिसंबर 2002 को मलदहिया चौराहे पर भी उसने अनिल राय और उसकी गनर की हत्या कर दी। हत्या में जिस AK-47 का इस्तेमाल हुआ वो मुन्ना बजरंगी ने उपलब्ध करवाया था। साल था 2005। गाजीपुर में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। AK-47 से ताबड़तोड़ 400 गोलियां 7 लोगों के जिस्म में उतार दी गई थी। जौनपुर के जमालापुर बाजार में 3 लोगों की हत्या मुन्ना बजरंगी ने अपने खूनी AK-47 से ही की थी। 2013 में डिप्टी जेलर की सांसें भी मुन्ना बजरंगी ने इसी AK-47 की मदद से छीन ली। इसी AK-47 के दम पर मुन्ना बजरंगी माफिया बन गया, जिसकी नोक पर उसने पूर्वांचल के लोगों से करोड़ों वसूले। साल 2002 में उसने जौनपुर के सदाफा कारोबारी लक्ष्मण सेठ की सुबह ही घर में घुसकर हत्या कर दी। इसी AK-47 के दम पर दशाश्वमेघ इलाके में होटल मालिक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। NMF न्यूज की रिपोर्ट।